कैसी लगी स्ट्रीट डांसर? मूवी बहुत अच्छा था, टू से काफ़ी अच्छा था, फर्स्ट भी बहुत अच्छा था, ऑलमोस्ट अच्छा था, सुपर मूवी। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना पसंद आया आपको? बहुत अच्छा लगा, इंडियंस के बारे में दिखाया कि लोगों को लॉयल रहना चाहिए, काफ़ी अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छा था, डांसिंग भी बहुत अच्छा था, सभी अच्छा था, एवरीथिंग विल फाइन। ओके, वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की केमिस्ट्री के बारे में क्या बताना? केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, शायद से उनका फर्स्ट मूवी में इतना अच्छा केमिस्ट्री था। स्ट्रीट डांसर इट वॉज ऑसम मूवी। फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ, रेमो डिसूजा और वरुण धवन काफ़ी बदनाम हो चुके थे, वरुण धवन कलंक के वजह से और रेमो डिसूजा अपने रेस 3 के वजह से, वो सारे दाग इस मूवी में धुल चुके हैं बॉस। यू कैन गो एंड वॉच एंड एंजॉय द मूवी, बहुत मस्त मूवी है। वरुण एंड श्रद्धा की केमिस्ट्री से बेस्ट लगी मुझे उनके और नोरा के साथ में जो एक केमिस्ट्री दिखाई गई है, नोरा फातेह जो है उनके साथ में गर्लफ्रेंड वाला रोल है और फर्स्ट टाइम उनको आइटम सॉन्ग के अलावा कुछ और करते हुए देखा है। हमेशा उनको हेट करता था कि वो यार स्किन शो करती है और बस लोग रीमेक्स के ऊपर में उसको देखना चाहते हैं, बट दिस टाइम शी इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, गुड एक्टिंग एंड इट्स अमेजिंग मैन। यार इंटरवल के बाद में सबको पता पहले से ही होगा, अगर ABCD 1 and 2 अगर आपने देखा है तो आपको शुरू से पता होगा कि वो सेकेंड हाफ में एंट्री मारते हैं और एंट्री मारने का एक ही रीज़न होता है कि जितने भी ऑडियंसेस को खींच ले। एंड फर्स्ट टाइम यार जो दो बार मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ क्या सारी ऑडियंस के साथ में धोखा हुआ है कि यार मुकाबला सॉन्ग का बैकग्राउंड ट्रेलर में डाल करके बुला लेते थे, दिस टाइम इट्स रियली द डांस परफॉर्मेंस ओवर देयर और आप जा करके उसको एंजॉय डेफिनेटली कर सकते हो एंड इट्स अ रिक्रिएशन, द सेम पर्सन सेम थिंग एवरीथिंग वॉज। फर्स्ट हाफ में आपके दिल को धड़कने पे मजबूर कर देगा लग दी लाहौर दिया, इट्स अमेजिंग। लेकिन रिक्रिएशन की बात अगर कर रहा हूँ ना बॉस, ये जो इस मूवी का खुद का सॉन्ग है जो तीसरी बार रिक्रिएट किया गया है तो बेजुबा, इट्स अमेजिंग, क्लाइमेक्स के लिए एकदम परफेक्ट सॉन्ग है और जिस तरह से इसको डायरेक्ट किया गया है आपको बोर नहीं लगेगा। हो सकता है आप बोलोगे यार इससे पहले दो बार तो देख चुका हूँ यार, अभी क्या देखना नया है, एवरीथिंग इज न्यू। 4.5 out of 5 बिकॉज फर्स्ट ऑफ थोड़ा सा स्लो लगेगा, आप रेगुलर अगर मूवीज देखते हो वरना आपके लिए 5 out of 5 है बॉस। मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया और मैं तो स्पेशली गई थी नौरा राघव के लिए मूवी देखने के लिए, राघव अपना भाई है, सो बहुत मज़ा आई। और क्या बताऊँ के बारे में क्या बताना चाहेंगे, इंडिया पाकिस्तान का भी इसमें एंगल दिया गया है। हाँ, इसमें एक इंडिया पाकिस्तान का एंगल है बट वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बाद में वो लोग दोस्त बन जाते हैं और श्रद्धा पाकिस्तान से, एंड मैं बहुत ज़्यादा बताऊँगी नहीं क्योंकि स्पॉइलर नहीं देना है। या प्रभुदेवा मैं बताऊंगी, हॉल में जब सबसे ज़्यादा शोर हुआ था तभी हुआ था जब प्रभुदेवा की एंट्री हुई थी और बहुत मज़ा आया, ही वॉज लाइक सारे डांसर्स एक तरह, ही वॉज लाइक ही इज़ ऑलवेज फेवरेट ऑफ एवरीवन, सो बहुत मज़ा आया। और नौरा का जब गर्मी आया तो सब लोगों पे गर्मी छा चुकी थी। सबसे ज़्यादा कौन सा गाना पसंद आया? मुझे गर्मी, आई लाइक गर्मी और इलीगल वेपन भी बहुत अच्छा है, श्रद्धा ने काफ़ी अच्छा डांस किया है और वरुण और श्रद्धा मतलब दे आर स्टार्स, दे आर एक्टर्स, उसके बावजूद भी दे परफॉर्म्ड वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया है तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। धर्मेश ने बहुत अच्छा कॉमिक टाइम दी है, आप उनको देखोगे आपको बहुत मतलब मज़ा आने वाला है, बहुत हंसी आने वाली है उनके कैरेक्टर को देखे, इज़ प्लेइंग अ वेरी यू नो फनी कैरेक्टर। एंड बाकी आप आशक्ति खुराना की मैं तारीफ करना चाहूँगी, उन्होंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया है सरदार का जो कि बहुत अच्छा किया है, ही वॉज लुकिंग सो गुड, अच्छी एक्टिंग करी है। सॉरी आई गिव 4। मूवी वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छी लगी। नोरा फैती का गर्मी का स्टेप बहुत अच्छा था और सेमीफाइनल में उन लोग बैटल करते हैं रॉयल्स और स्ट्रीट डांसर, वो बैटल सबसे अच्छा था, स्लो मोशन सब कुछ। केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा था, केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, वो 10 seconds हग, 1000 seconds हग, 10 seconds का हग था, हम लोग काउंट कर रहे थे और वरुण इंडिया से है, श्रद्धा पाकिस्तान से है, फिर भी उसका केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, तो बैटल बहुत अच्छा था, बैटल भी डांस तो डांस अलग अलग। अगर गाने की बात करूँ तो सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद आया? बेजुबा वो स्लो मोशन सेमीफाइनल्स में बहुत अच्छा था। नोरा फतेही का काम कैसा लगा? वो गर्मी का स्टर तो बेस्ट है, हम लोग भी करते हैं। और बाकी सारे स्टार कास्ट के काम कितने पसंद आए? राघव का बहुत अच्छा था, उसका एक्सीलेंट था और सब लोग का बहुत अच्छा था, धर्मेश का भी काफी, या काफी, या एक अच्छा मैसेज था, इंडिया और पाकिस्तान के इमिग्रेंट्स लंदन में रह रहे थे, उन लोग वापस नहीं आ सकते थे, तो अच्छा मैसेज था। इस मूवी से आप दोनों क्या लेकर जा रहे हो? अभी
डांस क्या मैसेज लेकर जा रहा है? ये मैसेज लेकर जा रहा है कि हम लोग को खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि सब लोग भूखे पड़े हैं अभी। ओके और फाइव साल की तो क्या फाइव मूवी कैसी लगी स्टेट डांसर? बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत कुछ सीखने भी मिल रहा है, स्टोरी भी अच्छी थी, इलीगल इमिग्रेंट्स भी थी जो अब्रॉड में थे और उन लोगों को हेल्प करने के लिए बेस्ट थी। वरुण और श्रद्धा की केमिस्ट्री कितनी पसंद आई? बहुत अच्छी थी, हालांकि उन लोग अलग अलग टीम में थे और ज़्यादा टाइम ऐसे उनकी केमिस्ट्री पे फोकस नहीं था, स्टोरी पे फोकस था जो अच्छा था। नूरा का काम कैसा लगा आपको? शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, उनका डांस बहुत ही अच्छा था। 4.5 YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext Live के कोई भी वीडियो मिस ना करें।